हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं 40 to 45 मिनट के अंदर इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर जो कि आपके सभी न्यूज़पेपर में से होते हैं। हम लोग जितने भी इंडिया के इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है सबके इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि कवर करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि कौन सी न्यूज का क्या पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, चीज का न्यूज है जो कि हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चाहे कोई भी न्यूज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो भी आपका मुद्दा चल रहा होता है देश में दुनिया में, उन सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उम्मीद करता हूं आप इसी तरीके से इसको रेगुलर देखते रहेंगे और काफी कुछ है जो कि सीखते रहेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज सैटरडे, जैसा कि आप सभी को मालूम है, और आज 22 मई, तो आज का हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे। ये सारे एग्जाम में, इनमें से आप अगर कोई भी एग्जाम फाइट कर रहे हो तो ये सेशन में से आपको 70 to 80% करंट अफेयर 101% है जो कि देखने को मिलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आई कैन राइट इट डाउन, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 70 to 80% करंट अफेयर हमेशा कोई भी आप एग्जाम दो उनमें आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है इस क्लास के अंदर। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन दिए थे वो कवर करेंगे, उसके बाद में आज के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, एक फन फैक्ट और आज के कुछ सवाल है जो कि हम लोग करने वाले हैं। ये अपना पूरा का पूरा आज का एजेंडा है। क्वेश्चन फॉर द डे, यानी कि कल के सवाल के बारे में बात करें तो कल मैंने आपसे पूछा था कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दोस्तों जगन्नाथ पाड़िया जी की रिसेंटली मृत्यु हो गई थी, कौन से राज्य के थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये राजस्थान से थे, तो बी आपका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। अगला सवाल था जो कि, हाँ एक और बात, कल हमने क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर एक और क्वेश्चन किया था आंध्र प्रदेश वाला, उसको सही कर लेना। मैंने 5 लाख रुपए आंसर लगाया था, एफडी जो थी बच्चों के लिए करवाई जा रही वो 10 लाख रुपए की थी, है ना, तो उसको एक बार सही कर लेना। मैंने वैसे कमेंट कर दिया था वीडियो के नीचे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस जो है डिजीज, ऐसे एपिडेमिक कौन से राज्य ने दोस्तों अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है, तो ये भी राजस्थान के द्वारा डिक्लेयर किया गया। हालांकि दोस्तों कल जो है उत्तर प्रदेश भी इसमें ऐड हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों को दोस्तों इसको एपिडेमिक घोषित करने के लिए बोला था जहां पे केसेस देखने को मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश ने भी इसको डिक्लेयर कर दिया है, राजस्थान ने भी कर दिया है। ठीक है, दो बातें आपको यहां पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को विथड्रॉ कर ले, तो ये है दोस्तों व्हाट्सएप। अभी देखते हैं ये क्या करेगा व्हाट्सएप, लेकिन अभी ये फैसला यहां पे आया है। आगे बात करते हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट ने कितना फंड है दोस्तों जो कि रिलीज किया है ना कोविड लॉकडाउन को झेलने को लेकर, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 1250 करोड़ का अनाउंसमेंट है जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अगला सवाल था कि कौन से नेशन ने बिल पास किया है, एंटी एशियन हेट क्राइम बिल, तो यह हमने बात करी थी कि यह कहां पर, यूएस के अंदर बहुत हो रहा था, तो यूएसए के द्वारा इसको पास किया गया है, ये आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा अगर आप दोस्तों इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं 30+ एग्जाम में से, तो आपके पास में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वो है अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस पे आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, 8th, 9th, 10th, 12th, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, आपका कोई गेट का एग्जाम है, कोई आपका कैट का एग्जाम है, यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी आप एग्जाम, आपको सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिलेगी, आपको वहां पे पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, सब कुछ आपको मिल जाएगी। वहां पे रेफरल कोड पूछेगा, तब आपको लगाना है BHU10 या फिर BHU10, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा, और सारे सब्जेक्ट की सारे क्लासेस भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर बात करें मेरे प्लस क्लासेस की, तो एसएससी कैटेगरी के अंदर आपको 1 जून से दोस्तों न्यू बैच है जो कि स्टार्ट हो रहा है, न्यू फाउंडेशन बैच है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे मैं हिस्ट्री से वापस से स्टार्ट है जो कि करने वाला हूं, वापस नए नोट्स होंगे, नए कई सारी चीजें हैं जो कि हम लोग इसमें एड ऑन करेंगे। चलिए कोट ऑफ द डे के बारे में बात करें, तो कोट ऑफ द डे आज कहां रह गया, आज भी गायब हो गया क्या। ठीक है, कोट ऑफ द डे आज यहां पे नहीं है, लेकिन मैं आपको कोट ऑफ द डे थोड़ा सा बता देता हूं अपनी तरफ से, जो कि हमेशा जैसे कि मैं आपको मेजरली जो बात करता हूं वो मैं आपको सक्सेस और हैप्पीनेस इन दोनों को जो है कोरिलेट करने की बात करता हूं, क्योंकि जो मैंने लाइफ में मैंने ये सीखा कि जब हम लोग सक्सेस के पीछे इतना भागने की कोशिश करते हैं, एक ड्यूरेशन लाइफ का ऐसा होता है कि आप सब कुछ जो है दुनिया उनिया त्याग देते हो और सिर्फ एक काम के पीछे जुट जाते हो। बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन मोर और लेस एक चीज का वहां पर और ध्यान रखना चाहिए कि हमारी लाइफ कहीं जो है वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है। हमें इस चीज का ख्याल जो है वो हमेशा रखना चाहिए कि कुछ लोग हमें हमेशा हमारे साथ में होने चाहिए। हम लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना है तो लोगों को साथ लेके बढ़ना है, कभी भी ऐसे कोशिश नहीं करनी है कि बस सबको पीछे छोड़ दूं मैं, सबसे बात करना, सबसे कम्युनिकेट करना, सबको बस
मैं टाटा बाय बाय कर दूं और मैं लट जाऊं बस अपने काम के अंदर। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, एक लाइफ में मेरे भी फेस था, जब मैं बात कर रहा हूं 2012 से लेकर 2015-16 तक, जब मैंने बहुत सारे मेरे कनेक्शंस कट ऑफ कर दिए थे। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2015 में भी मुझे जाके 3 साल बाद ये बात समझ आई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ का कुछ पता नहीं होता कब आपके कौन क्लोज वन चले जाए, आप चले जाओ, यू डोंट नो एनीवन कि क्या हो जाए कब किस वक्त में। तो हमें हमेशा लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए, लोगों को अच्छी बात करते रहने चाहिए, लोगों से कम्युनिकेट करते रहने चाहिए, एटलीस्ट उन लोगों से जिनको आप काफी अप्रिशिएट करते हो। ओके, तो कभी भी इस दौड़ के अंदर मत पड़िए जो दुनिया इस दौड़ में पड़ी हुई है ना, आगे बढ़ने की दौड़ में, क्योंकि आगे का कोई अंत नहीं है। यस, आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपको लाइफ में जो चाहिए वो जरूर पाना चाहिए, डेफिनेटली उसके ऊपर हार्ड वर्क करना है, लेकिन इस दुनिया के भागम भाग के अंदर कभी नहीं पड़ना है ना। चलिए, होपफुली आप इस बात को समझेंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था यार, एक तो वीडियो है ना यार, चलते और नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है वो दैनिक न्यूज़पेपर कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका न्यूज़पेपर होगा दैनिक का फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या फैसला है, पर्सनल गारंटी को लेकर देखेंगे, अभी थोड़ा सा दो एक मिनट का मुद्दा है, देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो यूएस के ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मैं इसको तो डिलीट कर रहा हूँ, स्टार मार्क नहीं कर रहा। हाँ, स्टेटमेंट है जो यूएस के चीफ मेडिकल ऑफिसर है यूएस प्रेसिडेंट के, है ना, उनका नाम है दोस्तों यहाँ पे एंटोनी फॉसी। तो उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया को रिकवर करना है कोविड-19 से तो हमें वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, साथ में मास्क को पहनने की बहुत जरूरत है। समझ गए? तो ये दो चीजें, एक तो है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से और एक है पब्लिक की तरफ से, तो दोनों ही चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर सिर्फ एक ऊपर गया और एक नीचे गया तो भी हालत खराब है, और अगर एक नीचे गया और एक ऊपर गया तो भी हालत खराब है। समझ गए मेरी बात? हालांकि इन्होंने ये नहीं बात नहीं बोली कि गवर्नमेंट और पब्लिक वाले, तो बात मैं बोल रहा हूं क्योंकि वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के हाथ में है लेकिन मास्क पहनना ये पब्लिक के हाथ में है। समझ गए? तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों को जो है कोरिलेट करके साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके जो है चीजें कंट्रोल होगी। तो उन्होंने वैक्सीनेशन के ऊपर जो है काफी जोर दिया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है वही की है जिससे हम इसको हरा सकते हैं, ये बात इनके द्वारा बोली गई है। ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग बात करेंगे जीएसटी को लेकर। सरकार ने जो है अभी भी मना नहीं किया था कि हम जीएसटी नहीं लेंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बेल दे दिया एमपी को। यहाँ पे तरुण तेजपाल, आपको मालूम होगा दोस्तों, तेहलका करके एक एडिट वो था, एक जनरल आया करता था जिसमें काफी सारे स्कैम जो है वो पता करे थे, मतलब काफी सारे करप्शन को लेकर। तो तहलका के फॉर्मर जो एडिटर हुआ करते थे वो तरुण तेजपाल हुआ करते थे। 2013 के अंदर इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का और रेप का चार्ज जो कि लगा था, फाइनली 7 साल बाद में दोस्तों ये अभी इनको एक्विट कर दिया गया है गोवा के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ पे फैसला आया है, गोवा के अंदर सेशन कोर्ट ने इनको बरी किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इस मुद्दे के बारे में बात करेंगे, इसराइल और हमास के बीच में फाइनली 11 दिन की लड़ाई के बाद में सीज फायर है जो कि हो गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में, वन ऑफ द ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट जिनसे बहुत सारे युवा है जो कि इंस्पायर हुए इंडिया के अंदर एनवायरमेंट को भी अपने करियर के तौर पर लेने को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो बात करी गई है वो पार्टिसिपेशन इन प्रोसेशन ऑफ डेड को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोलकाता के क्रिमेशन के बारे में बात करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो मैंने स्टार मार्क करे, यहाँ पे चार न्यूज मैंने स्टार मार्क करी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि कई बार ऐसा हुआ है कि जब कोई भी कंपनी ओपन होती है तो उसकी कोई ना कोई गारंटर होता है। अब कंपनी जब डूबने लगती है, जब उसके ऊपर कर्जा हो जाता है ना, तो वो गारंटर जो है वो पीछे हट जाते हैं, ये बोलते हैं भाई हमारा तो हमारी पर्सनल जो भी वेल्थ है ना उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और बोला है कि जो भी लैंडर है यानी कि जो लोन दे रहे हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसीजिंग अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर्स। अगर कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया, उसके कोई ना कोई गारंटर भी होते हैं। अगर वो कंपनी के ऊपर डेबिट है, अगर वो पैसा नहीं दे पा रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके जो गारंटर्स है ना उनकी पर्सनल जो गारंटी थी, जो पर्सनल उनकी वेल्थ है उससे भी पैसा लिया जा सकता है। यहाँ पे ये बात बोली है दोस्तों, तो प्रोसीडिंग उनकी पर्सनल गारंटर के खिलाफ भी स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये यहाँ पे कोर्ट ने बोला है। पहले क्या बोल दिया करते थे
कि जो बड़े बड़े प्रमोटर थे बिग बिजनेस हाउसेस के, वो बोलते थे कि नहीं भाई पर्सनल गारंटर के ऊपर जो है वो आज नहीं आने चाहिए, जिन्होंने गारंटी दी है। तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने जो है कई सारे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करी थी, वो कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट ने भी दोस्तों गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। ठीक है गाइस, चलिए तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया चैलेंज जिसमें बोला गया था कि पर्सनल गारंटर जो है ना कॉर्पोरेट बोरोवर के, उनको इंसॉल्वेंसी केस के अंदर नहीं इंक्लूड किया जाए, लेकिन यहाँ पे उनकी पेटिशन को हटा दिया गया है। आईबीएससी जो है अपनी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके तहत वो उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है एसके साउंड की प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से साउंड की प्रॉब्लम नहीं है गाइस, एक बार रिफ्रेश कर लो प्रॉब्लम सही हो जाएगा आपके। ठीक है चलिए, तो ये यहाँ पे बात है जो कि मैंने ऊपर ऊपर मुद्दे से आपको बता दिया है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपने यस बैंक के टाइम पे भी देखा होगा है ना, जो उनके को फाउंडर थे राणा कपूर अशोक कपूर है ना, उनके भी काफी प्रॉब्लम हो गई थी, उनके प्रमोटर जो है वो पीछे हाथ खड़े कर लिए थे उन्होंने, तो जो उनके ऊपर भी काफी सारी प्रॉब्लम थी, वो पैसा नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसे कई सारे केस जो कि होते रहते हैं। तो यहाँ पे रविंद्र भट्ट के द्वारा दोस्तों ये जस्टिस रविंद्र भट्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज अपने उनके द्वारा फैसला सुनाया गया है। ठीक है आगे बात करते हैं जीएसटी को लेकर। तो देखिए अभी आपको पहले मैं आपको मुद्दा बता देता हूं पहले हुआ क्या था, पास्ट में चलते हैं थोड़ा सा। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि एक पर्सन था है ना दिल्ली के अंदर, उसने क्या हुआ कि सीनियर सिटीजन एक लड़का था, उसने अपने सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि अपने चाचा के लिए ओके जो कि सीनियर सिटीजन है उनके लिए कंसंट्रेटर एज ए गिफ्ट है जो कि मंगवाया था। जब कंसंट्रेटर आया तो उसके ऊपर 12% दोस्तों जीएसटी का नोटिफिकेशन जो कि आया। सरकार पहले 28% लिया करती थी, सरकार ने बोला हम इसको 12% कर रहे हैं क्योंकि अभी मेडिकल में प्रॉब्लम है, मेडिकल की चीजें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे उस नेफ्यू ने दोस्तों क्या किया, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर पेटिशन दायर कर दी कि क्या बोल के आर्टिकल 21 के लगा दिया कि भाई ये तो लाइफ को लेकर है ना, तो इसके ऊपर 12% जीएसटी नहीं लेना चाहिए। कोर्ट के पास में मैटर गया तो कोर्ट ने बोला देखो भाई सरकार को जो है वो पूरा अधिकार है टैक्स लेने का, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राइट नाउ जीएसटी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे बहुत ही ज्यादा मेडिकली यूज है आज के टाइम पे, पेंडेमिक की कंडीशन है, तो अभी पैसा इसके ऊपर जीएसटी लेना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने करार दिया है। समझ गए मेरी बात, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई पर्सनल यूज के लिए भी मंगाता है क्योंकि ये लाइफ सेविंग एक तरीके से डिवाइस है आज के टाइम पे लाइफ सेविंग डिवाइस ही है, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में लाइफ के ऊपर ही बात होती है। देखो आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है मैं आपको बताता हूँ जिसके अंदर आप कोई सा भी केस कर दो उठा के पूरे देश में जो है सबसे ज्यादा कोई केस हो सकते हैं तो आर्टिकल 21 के तहत हो सकते हैं। कोई भी अगर आपकी गाड़ी के आगे भैंस आ जाए, गाय आ जाए, कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए तो भी लोग केस लगा देते हैं। वैसे मैं इस केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस केस के अपार्ट जनरली बात कर रहा हूं है ना, तो जो मन करे आपको गाड़ी यदि किसी ने लगाए क्या आर्टिकल 21 से, क्योंकि ऐसा केस है जो कि हर चीज के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकता है क्योंकि वहां पर बात ही दो चीजों के बारे में होती है, राइट टू फ्रीडम एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात होती है ना, राइट टू लाइफ के बारे में बात होती है। ओके इसका मतलब ये नहीं है कि इसको यूज ना किया जाए, गलत है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरली बात कर रहा हूं। ठीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल 21 जो है वो है भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट में मेजरली जो भी जनता के फेवर में केसेस जाते हैं वो आर्टिकल 21 के थ्रू जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो उसका इररिलेवेंट भी फायदा उठाते हैं और सुप्रीम कोर्ट का दिमाग खराब रहता है, वो उनके ऊपर फाइन भी ठोकते हैं बढ़िया वाला कि क्या कुछ भी लेके आ गए क्या, तो कभी भी कुछ भी केस भी नहीं करना होता है, थोड़ा सा रेलिवेंट भी होना चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे वाली बात हो चुकी है, अभी सरकार 12% ले रही थी, अभी देखते हैं इसके ऊपर बंद करती है नहीं करती है, आने वाले टाइम पे पता लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इजराइल और हमास को लेकर। तो 11 दिन की फाइटिंग के बाद में फाइनली दोस्तों दोनों जो है यहाँ पे दोनों ने बमबारी और अपनी मिसाइल रॉकेट जो है उनको होल्ड पे कर दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये जो बहुत ज्यादा लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए जो जश्न मना रहे हैं, पैलेस्टीन के फ्लैग आपको सर्च में देखने को मिल रहा होगा, तो आपको कहने के ऐसा नजर आ रहा होगा कि पैलेस्टीन जो है यहाँ पे या फिर जो हमास है वो यहाँ पे जीत गया है, कहने के आपको इस तरीके से यहाँ पे नजारा देखने को मिल रहा होगा। कई जगह न्यूज़पेपर में भी आपने टीवी मीडिया में भी देखा होगा कि इस तरीके काफी सारे देखने को मिल रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली के अंदर रियलिटी थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। देखिए एक्चुअली के अंदर पहली बात तो यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी बोल दिया था अभी एक दो दिन पहले कि दोनों को जो है वो क्या करना चाहिए, पीस है जो कि यहाँ पे लाना चाहिए। साथ में इजिप्ट ने दोस्तों यहाँ पे जो है वो स्टार्ट किया पीस का जो इनिशिएटिव था दोनों देशों को, क्योंकि इजिप्ट की प्रॉब्लम क्या थी कि वो काफी लोग जो है ना जो आम नागरिक है वो इजिप्ट की बॉर्डर टच होती है गाजा से, तो वहां से लोग जो है इजिप्ट के अंदर जा रहे थे, तो जैसे कि हमने भी तो ये किया था
हमने बांग्लादेश को आजाद इसलिए करवाया था क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारी जनता हमारे देश में आ रही थी रिफ्यूजी के तौर पर, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक था। तो कोई भी जो पड़ोसी मुल्क होता है उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है अगर किसी देश के अंदर अनरेस्ट है, जो कि देखने को मिलता है। तो ये देखिए, जब ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से काफी लोग है जो कि इजिप्ट के अंदर एंटर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बमबारी है जो कि करी गई इसराइल के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे दो पार्टीज आपको नजर आ रही होगी, दोनों का मैं एजेंडा आपको बता देता हूँ, है ना। इसराइल देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो यहाँ पे कोई नहीं हारा है, यहाँ पे हार जो है वो इंसानियत की हुई है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हजारों घर तबाह हो गए, हजारों लोगों को पलायन करने पे मजबूर हो गए। ओके, बहुत सारे लोग फेलेस्तीन के अंदर, मेजरली लोगों की जो मृत्यु हुई है फेलेस्तीन के अंदर हुई है, इसराइल के अंदर जो हुई है वो 12 लोगों का डैमेज हुआ है, 243 डेथ जो कि गाजा में हुई है, जिसमें से 66 के यहाँ पे बच्चे थे, 12 डेथ इसराइल के अंदर हुई है जिसमें से एक बच्चा था, 1900 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो गई है, 90% जो रॉकेट है वो पॉपुलेटेड एरियाज में डाले गए, लेकिन उसको जो इसराइल की जो आयरन डोम एरिया है ना उससे उनको रोक लिया गया 90% जो भी यहाँ पे मिसाइल्स आई थी। ओके, 1800 एयर स्ट्राइक है जो कि इसराइल के द्वारा करी गई, और 16,000 घर है दोस्तों जो कि गाजा के अंदर इसराइली एयर स्ट्राइक से तबाह हो गए, 4,000 रॉकेट है जो कि हमास के द्वारा भेजे गए, जिसमें से 350 जो है वो वर इंजर्ड इन इसराइल, तो 350 लोग इंजर हो गए इसराइल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने ज्यादा हाई अटैक थे एक तरीके से, और ये वाला एरिया है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, गाजा स्ट्रिप के बारे में। ओके, तो सबसे पहली बात तो वही है कि कोई भी युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा जो वहां पे प्रॉब्लम होती है वो जनता को होती है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता इन वॉर से। ओके, लेकिन जो भी पॉलिटिशियंस या जो बड़े लीडर्स होते हैं या फिर जो कंट्रीमैन होते हैं वो इस बात को नहीं समझते, और हमेशा जो है एक दो देशों के बीच में आपस में मुद्दा होता रहता है। यहाँ पे दो देश भी नहीं थे वैसे, यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास जो कि यहाँ पे थोड़ा रूल करता है, फलस्तीन वाले को रिप्रेजेंट करता है एरिया को, और ये इसराइल आपको मालूम है काफी पावरफुल कंट्री है। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकली बात करी, थ्योरेटिकली मैं बात करूं तो इसराइल के दो हमास के दो यहाँ पे सीज फायर जो हुआ है, यहाँ पे अनकंडीशनल सीज फायर हुआ है, पहली बात तो कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो इनका ये कहना था कि जो मॉस्को था ना उसके अंदर वापस से इसराइल की सेना कभी एंटर ना करे। दूसरा उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे जो एक एरिया है जदा नाम से, है ना, तो उस एरिया के अंदर जो है वो वापस से हमारे जो फेलेस्तीन के लोग रहते हैं ना उनको नहीं निकाला जाए, लेकिन इनकी जो दोनों ही शर्त है वो इसराइल ने नामंजूर करी है। तो यानी कि कुल मिला के इनको तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है। इसराइल की बात करें तो यस, डेफिनेटली इसराइल को यहाँ पे एक अपर हैंड जरूर मिलता है, क्योंकि इसराइल का मोटिव ये था कि 2014 के टाइम पे ऐसा हुआ था कि कोई 3,500 मिसाइलें जो कि इसके द्वारा दागी गई थी, तो 2014 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने कोई 4,000 मिसाइलें जो कि छोड़ी है। तो यानी कि 7 साल के अंदर जो भी डेवलपमेंट मिलिट्री के अंदर हमास ने किया था, टनल्स बनाए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, बिल्डिंग बनाई थी खुद के लिए, खुद के बचने के लिए बनाई थी, तो वो सारा का सारा यहाँ पे तबाह कर दिया गया इसराइल के द्वारा। तो इसराइल का कहीं ना कहीं मोटिव जो है वो पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमास का कोई भी मोटिव पूरा नहीं हुआ है। तो ये जो जश्न हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि इसराइल ने बमबारी जो है वो रोक दी है। ओके, तो इसके अलावा कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है कि हमास यहाँ पे जीत गया या नहीं जीता है। ओके, किसी भी तरीके से चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेलेस्तीन के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका भी यहाँ पे स्टेटमेंट आया कि यूनिलेटरल सीज फायर है जो कि हम वेलकम करते हैं, यहाँ के लोग है जो कि शांति से 2 मिलियन फेलेस्तीनी जो लोग है वो शांति से सो पाएंगे। ओके, ये बमबारी या जो मिसाइल अटैक हो रहे थे उससे, यूएस का स्टेटमेंट भी आया था, जो है बाइडन ने दोस्तों इसको जो है एक अच्छा पॉजिटिव है जो कि सीजफायर एग्रीमेंट को दिया इसराइल और हमास के बीच में। कुछ दिन पहले इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था जिन्होंने बोला था कि भाई इसराइल को जो अचीव करना था वो कर लिया है, अब जो है ये बमबारी रोक देनी चाहिए, है ना। तो ये बात है जो कि यहाँ पे इनके द्वारा कही गई थी। तो 11 दिन के अंदर आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग्स और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी लोग है जो कि इंजर हो गए हैं। आगे बात करते हैं जो कि चलेंगे सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में। 1927 में इनका जन्म हुआ था, 2021 यानी कि कल ही इनकी मृत्यु हुई है। देश के जो है वेल नोन एनवायरमेंटलिस्ट थे, गांधीनियन प्रिंसिपल के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ है जो कि जी है, बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे गांधी जी की फिलोसफी से, और 94 की इनकी उम्र थी। तो अभी यहाँ पे कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो गए थे एम्स के अंदर, ऋषिकेश के अंदर इनकी अभी रिसेंटली मृत्यु हो गई। चिपको आंदोलन के बारे में दोस्तों सभी ने को मालूम होगा, ऐसा कोई नहीं है देश में जिनको चिपको के बारे में नहीं पता होगा। हक द ट्री मूवमेंट आप सभी को मालूम है 1970 में हिमालयन फॉरेस्ट के वहां पे चलाया गया था पेड़ों को कटने के लिए, बचाने के लिए। ओके गाइस, तो कंस्ट्रक्शन हो रहे थे उस टाइम पे, देखो 1980 का ऐसा टाइम था जब हिमालय एरिया के अंदर काफी सारे डैम बनाए जा रहे थे, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं होती थी किसी भी डैम के कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, बस ये था कि डेवलपमेंट करना है, तो धमाधम जो है डैम्स बन रहे थे वहां पे, तो उसी को लेकर इन्होंने जो है वहां पे आंदोलन किया था।
हिमालयन 1980 के टाइम पे ओके काफी सारे कंस्ट्रक्शन, इनफैक्ट जो तीरी डैम था उसके भी दोस्तों कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने दो लॉन्ग हंगर स्ट्राइक जो कि उस जमाने के अंदर की थी ओके, हालांकि कह रहे उससे कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं आया ओके, लेकिन मतलब काफी अवेयरनेस है जो कि इन्होंने दी थी। और देखो क्या होता है, किसी भी चीज का ज्यादा ओवर डोज है ना हर चीज का नुकसानदायक होता है, चाहे फिर वो अपना खाना हो चाहे किसी भी चीज का ओवरडोज हो। तो हमेशा डेवलपमेंट में ये चीज ध्यान रखनी जरूरी होती है कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट की क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि दो रास्ते होते हैं कि हम लोग 100% इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली हमेशा कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट की तरफ ही जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें लॉन्ग विजन लेके चलने की जरूरत होती है कि हम इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो तेरी गढ़वाल के अंदर एक आश्रम था है ना, सिलियार आश्रम नाम से, वहां पे काफी सारे यंग लोगों को ये बताया करते थे एनवायरनमेंट के बारे में, ट्रेन किया करते थे, काफी लोग हैं जो कि इनसे इंस्पायर हुए अपनी लाइफ के अंदर। डिफॉरेस्टेशन को प्रॉब्लम को इन्होंने कई सालों तक जो है दोस्तों काम किया है, ट्री कवर को बढ़ाने को लेकर जो हिमालयस के अंदर स्प्रिंग सीजन जो होता है वो धीरे धीरे डाई हो रहा है उसको इन्होंने विटनेस करवाया। इसके अलावा इन्होंने एक महिला मंडल का भी फॉर्मेशन किया था तेरी गढ़वाल वाले एरिया के अंदर है ना, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था, 2000 के टाइम पे ही अलग हुआ था। ठीक है गाइज, इसके अलावा बात करें, चलिए इन्होंने इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 4000 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरी रैली निकाली थी इन्होंने अवेयरनेस को लेकर है ना। इंडिया में और भी कई सारे मूवमेंट हुए इस तरीके के दोस्तों, जैसे कि मैं बिश्नोई मूवमेंट के बारे में बात करें तो अमृता देवी के द्वारा दोस्तों इस मूवमेंट को लीड किया गया था, जिसमें 363 पीपल लोगों ने अपनी सेक्रीफाइस कर दी थी जान फॉरेस्ट में को पेड़ों को बचाने को लेकर। पहली बार दोस्तों इस तरीके का कोई मूवमेंट है जो कि दुनिया भर में देखने को मिला था। राजस्थान के अंदर जो बिश्नोई समाज है वो हिरन को लेकर, पेड़ों को लेकर, इनको बचाने को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। और सलमान खान वाला केस भी आपको मालूम होगा, वो भी बिश्नोई कम्युनिटी उसको लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस थे, उनके द्वारा ही जो है वो पूरा का पूरा प्रोसीडिंग करी गई, वही है जो कि अभी तक जो है फाइट कर रहे हैं उस केस को लेकर है ना। तो बिश्नोई समाज हमेशा से बहुत ज्यादा तत्पर रहा है राजस्थान के अंदर इन चीजों को लेकर, बचाने को लेकर। आगे बात करें चिपको मूवमेंट की, तो चिपको मूवमेंट के बारे में मैंने बताया दिया, 1973 के अंदर इस मूवमेंट को कराया गया था प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ ट्री को लेकर ओके। यहाँ पे प्लांटेशन की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन को रोकने को लेकर बात करी जा रही है। हमेशा अक्सर जो है इस चीज को लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ट्री कवर को बढ़ाने को लेकर था या डिफॉरेस्टेशन को लेकर था है ना, तो ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने को लेकर था, पेड़ कटने नहीं थे वो बचाने को लेकर था, समझ गए मेरी बात। चिपको का मतलब ये था कि लोग चिपक गए थे, लोगों ने हक कर लिया था पेड़ों को है ना। चलिए आगे बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपको मालूम हुआ, जिसके अंदर मेधा पाटकर एक दोस्त की दोस्तों बहुत जबरदस्त एक्टिविस्ट है, उन्होंने इसके अंदर काम किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर ओके, क्योंकि डैम की जो हाइट है वो बढ़ाई जा रही थी, जिससे काफी सारे आसपास के विलेज के ऊपर रिस्क है जो कि बढ़ रहा था। ये वो मूवमेंट था जब पहली बार आमिर खान जो है अपने बॉलीवुड एक्टर वो भी इस मूवमेंट के अंदर मेधा पाटकर के साथ में बैठ गए थे, उसी के बाद से उनकी और मोदी जी की जो है वो थोड़ा सा मामला बैठा नहीं था आपस में। आगे बात करें अपीको मूवमेंट दोस्तों, ये जो मूवमेंट है ये स्टार्ट किया गया था अपने कर्नाटका के अंदर है ना, जो ऊपर वाला एरिया वेस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है गाइस, तो वेस्टर्न घाट के अंदर जो इकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा था कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट की वजह से, तो उसको लेकर दोस्तों ये मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा साइलेंट वैली मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था केरला के अंदर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा था दोस्तों रिवर के ऊपर ओके, कुद्रमुख प्रोजेक्ट चल रहा था उसको लेकर। तीरी डैम कॉन्फ्लिक्ट तो आप सभी को अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, काफी सालों तक ये मूवमेंट भी दोस्तों रहा है, क्योंकि ये जो डैम पहाड़ों के अंदर बनाए जाते हैं क्या सिस्मिक एक्टिविटीज यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। अगर आप जोन वाला एरिया देखोगे ना तो हमारे पहाड़ी एरिया जो है वो जोन थोड़े से डेंजर जोन में आते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे, तो उस वाली चीज को देखना जरूरी होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये इश्यू है जो कि यहाँ पे हुआ था ओके। अभी कुछ टाइम पहले भी जब उत्तराखंड के अंदर हुआ था ये इशू, तब भी यही बात हुई थी। आगे बात करते हैं हरियाणा की तरफ चलेंगे दोस्तों, पेज नंबर 4 की तरफ, यहाँ पे हम लोग बात करें हरियाणा की। हरियाणा ने दोस्तों क्या किया है, जितने भी बीपीएल पेशेंट है राज्य के अंदर उनका सबका ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए बोला है कोविड-19 का। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया कि एंटायर ट्रीटमेंट जो भी बीपीएल पेशेंट का होगा कोविड-19 के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में वो पूरा का पूरा सरकार के द्वारा देखा जाएगा। काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है, सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए। ठीक है गाइस, और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 35,000 रुपए की भी बीपीएल पेशेंट के लिए यहाँ पे अनाउंस है जो कि करी गई है। जो परिवार आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर कवर नहीं है, है ना, उनको भी यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस है और ये वाली जो स्कीम है उसका फायदा है जो कि मिलेगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट हुआ है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि पेज नंबर 8। यहाँ पे दोस्तों कल एक नक्सल अटैक के अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने 13 नक्सलाइट्स को दोस्तों यहाँ पे मार दे रहा है, जिसमें 7 महिलाएं थी, है ना। और हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए यहाँ पे
हाँ ये वाला न्यूज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। ओके और ये टूल किट वाला भी कल संबित पात्रा का ट्वीट भी ट्विटर ने मैनिपुलेटेड के अंदर डाल दिया, ये भी काफी मुद्दा बन रहा है, बाद में देखेंगे इसको, एक मिनट का डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यूएसएसआर को लेकर। देखिए यूएसएसआर एरा के टाइम पे एक आईएनएस राजपूत है जो कि हमारे यहाँ पे कमीशन किया गया था 41 ईयर पहले। पिछले 41 ईयर से दोस्तों ये हमारे देश को सेवा दे रहा था, तो उसको फाइनली डी कमीशन है जो कि विशाखापट्टनम पे कर दिया गया है। ठीक है गाइज, गाइज एक बार वीडियो को शेयर कर देना अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो। अरे भाई तुरंत तुरंत शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे। देखो इंडिया और यूएसएसआर या मैं बोलूं रशिया, तो हमारे दोस्तों बहुत जबरदस्त जो है मिलिट्री टाइज रहे, चाहे फिर वो ब्रह्मोस हो, चाहे फिर उसको और भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव है जो कि इंडिया और इसराइल ने साथ में मिलकर करे हैं। तो उसी के अंदर दोस्तों एक ये भी था, डिस्ट्रॉयर है आईएनएस राजपूत, है ना, तो यूएसआर के अंदर इसको बनाया गया था 41 से साल से इंडिया को सेवा है जो कि अपने दे रहा था। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने डिफेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, समझ गए मेरी बात। चलिए ठीक है, और श्रीलंका के अंदर पीस कीपिंग फोर्सेस के टाइम पे भी दोस्तों ने काफी हेल्प है जो कि इंडिया की करी थी। तो आप देख सकते हैं ब्रह्मोस है जो कि इंडिया और ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा दोनों नदियां हैं दो देशों की, उनको मिलाकर बनाया गया था ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम चलाए गए, सुखोई 30 एमकेआई आप सभी को मालूम है, है ना, अभी तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा उसको बिल्ड किया जा रहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। इसके अलावा यहाँ पे एचएल का टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, KA ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स है। ओके इसके 2013 से 18 के बाद के बीच में बात करें तो आप देख सकते हैं 62% जो भी हमारे पास आर्म्स थे ना वो रशिया के द्वारा बेचे गए हैं, हालांकि 2008 से 2012 के बीच में 79% थे, हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे रशिया के ऊपर, लेकिन अभी पिछले पांच 2013 से 18 के बीच में 62% हो गए। अब इसके अंदर जो डाउनफॉल देखने को मिला है वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट किसके पास चले गए, इसराइल के पास चले गए, थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस के पास चले गए और यूएसए के पास चले गए, तो यहां पे डिवीजन हो चुका है 79 से 62 का, समझ गए। इसके अलावा H-400 ट्रंप आप सभी को मालूम है, एयर डिफेंस सिस्टम है अपना जो कि अपन ने ऑर्डर कर रखा है, अक्टूबर नवंबर तक अपने को मिल जाएगा। कोमो हेलीकॉप्टर्स आपको मालूम है, बीच में टैंक है ना T-90S जो बीच में टैंक है, अकुला सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन है, विक्रमादित्य दोस्तों, इसके अलावा बॉम्बर है 22M3 बॉम्बर्स, MI-17 वो भी सर्विस के अंदर है तो वो भी हमने इनसे लिए, तो ये सारे के सारे दोस्तों आप देख सकते हैं कई सारे कॉर्पोरेशन दोनों के बीच में। आगे बात करते हैं पेज नंबर 14 की दोस्तों, पेज नंबर 14 की बात करें तो यहां पे ठीक है एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, शेयर नहीं किया तो ठीक है। तो यहां पे आप लोग बात करेंगे किसको लेकर, आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके अलावा तो और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई को लेकर, जैसे कि आप सभी को मालूम है जब भी गवर्नमेंट को के कंडीशंस इकोनॉमिकली खराब होती है तो आरबीआई के पास जाता है पैसे लेने के लिए। ओके तो लास्ट टाइम भी आपको मालूम है विमल जालान कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने बोला था कि भाई जो भी आप अपना इमरजेंसी फंड है वो 5.50 बफर रिस्क है जो 5.50 रखिए कंटिजेंसी का, तो उसके ऊपर का जो भी पैसा है वो सरकार को दीजिए, तो सरकार ने ले लिया था। तो अभी भी आपको मालूम है इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, अब सरकार के पास में जो है वो दो ही तरीके बचे, या तो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसे कमाए या आरबीआई से कमाए, डिसइन्वेस्टमेंट भी अभी नहीं हो पा रहा है, मार्केट की हालत खराब है, तो अभी आरबीआई है जो उसको ले दे के बेचारा यही बचता है जिससे सरकार लेती है पैसा। तो आरबीआई जो है 99,000 करोड़ रुपीज है जो कि सरप्लस सेंटर को जो है वो अवेलेबल करवाने वाला है। ओके गाइस तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक के जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूव किया है ट्रांसफर ऑफ higher than expected sum for July March accounting period. Okay guys, तो पहले इनका accounting period क्या था, वैसे July to June था, लेकिन अभी accounting period RBI ने भी अपना अप्रैल से मार्च है जो की कर दिया गया है ना, पहले तो जुलाई से जून था, तो जो भी इनके पास higher than expected जो भी sum है जो amount है वो सारा का सारा सेंटर को है जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। वैसे अगर आरबीआई की जरूरत तभी पड़ती है तब बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है मार्केट की, राइट नाउ कोविड के अंदर आपको मालूम है हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो ऐसी जो कंटिजुएंसी या इमरजेंसी जब होती है ना तभी आरबीआई के पैसा है जो कि काम में आता है। तो सरकार ने वैसे अगर पहले भी ले लिया था काफी 2-3 साल पहले भी जब इकोनॉमिकल कंडीशन खराब थी, लेकिन अभी तो क्या राइट नाउ तो बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि टैक्सेस का पैसा भी नहीं आ पा रहा है, इकोनॉमी जो है वो 100% नहीं चल पा रही है, जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के भी जितना एक्सपेक्टेड था इकोनॉमी ग्रो करके आएगा उतना नहीं आ पा रहा है, तो चारा कोई बचा नहीं है, तो डिसइन्वेस्टमेंट और ये दो ही तरीके बचे जहां से पैसा लिया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 16 के बारे में बात करें
तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक को लेकर। तो देखो बात ऐसी है, साफ साफ जापान ने बोल दिया है कि भाई कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी हो, ओलंपिक तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। तो ओलंपिक नहीं होगा इसके चांसेस बहुत कम है, होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। कल मैंने दो चार आर्टिकल पढ़े थे जिसमें जापान का रेसिलियंट है जो कि वहां पर नजर आ रहा था, हालांकि उन्होंने ये साफ तौर पे तो नहीं बोला, लेकिन कहना कि उनकी बातों में नजर आ रहा था उनके ऑफिशियल के बातों से कि वो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे कि ओलंपिक नहीं हो। हो सकता है कि इस बार जो है कई सारे देश पार्टिसिपेट, कुछ एक अगर ज्यादा कोरोना वहां पे बढ़ गया तो कुछ एक लोग पार्टिसिपेट नहीं करें, लेकिन ठीक है फिर भी 80-90% लोग पार्टिसिपेट करेंगे। स्पोर्ट्समैन के लिए ओलंपिक से बढ़कर कुछ भी नहीं है, है ना। चलिए तो यहाँ पे अशोक कुमार जी के बारे में बात करते हैं। अशोक कुमार जी जो है दोस्तों वो एकमात्र रेफरी है इंडिया से जिनको ऑफिशियली रेसलिंग मैचेस है जो कि वो वहां पे देखेंगे टोक्यो ओलंपिक के अंदर। ठीक है गाइस, तो वहां की जो ऑफिशियल्स की लिस्ट है जो कि अभी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा थर्सडे को जारी करी गई है उसके अंदर इनका नाम है जो कि आया है। ओके, 100 से ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट है जो कि इन्होंने करवाए हैं, वर्ल्ड और एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं एक्सप्रेस को लेकर, यहाँ पे जयशंकर जी जो है यूएस के जाने वाले नेक्स्ट वीक वैक्सीन की मिशन को लेकर, आपको मालूम है यूएस से हम लोग काफी ज्यादा टाइप करने वाले हैं वैक्सीन को लेकर, तो उसी को लेकर ये जा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो विजयानंद जी ने डिफेंड किया है शैलजा जी को ड्रॉप करने को लेकर कैबिनेट से, है ना, फ्यूचर चैलेंजेस को लेकर इन्होंने बोला है कि हमें फ्यूचर लीडर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा तरुण तेजपाल की न्यूज है, ट्विटर की न्यूज है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो बात करी गई है कुछ यहाँ पे भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, संदरलाल बहुगुणा जी के बारे में बात करी गई है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों एक और चीज बताई गई है जो कि है यहाँ पे 5 सालों में मैन्युफैक्चरिंग की हालत। ओके, यहाँ पे बताई गई है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की जो जॉब्स है वो पिछले 5 सालों के अंदर आधी है जो कि हो गई है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 51 मिलियन लोग है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि देखो किसी भी देश की जो बैकबोन होती है वो क्या होता है, एमएसएमई होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और यही क्या करती है देश में मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, यहीं पर ही आपको रिलायबल जॉब्स है जो कि मिलती है सबसे ज्यादा। ओके, अभी यहां पे 2016-17 के टाइम पे अगर मैं बात करें तो यहां पे 51 मिलियन जॉब्स हैं जो कि हुआ करती थी, और अगर 2020-21 में बात करें तो नियर बाय 27 मिलियन के आसपास है जो कि पहुंच चुकी है। रियल एस्टेट में 69 मिलियन थी तो वो अभी 53 पे पहुंच चुकी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो जब भी रिवर्स माइग्रेशन होता है तो एग्रीकल्चर के अंदर जॉब्स जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर लोग ज्यादा काम करना प्रेफर करते हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर जॉब्स का इंक्रीमेंट हुआ है, 131 मिलियन हुआ करती थी, ये ऊपर बढ़ी फिर वापस नीचे आ गया, अभी भी 136 मिलियन है जो कि देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, ये नॉन फाइनेंशियल है, एग्रीकल्चर की तो ऊपर वाली है, एग्रीकल्चर का तो 145 वाला है। ठीक है, तो 145 मिलियन थी एग्रीकल्चर में जो कि बढ़ के 151 है, और जो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके अंदर 131 से बढ़कर 136 है जो कि यहाँ पे बढ़ी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे शिफ्ट बताया गया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर और नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं लोग, क्योंकि बाकी मैन्युफैक्चरिंग में जॉब है जो कि जनरेट नहीं हो पा रही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट है जो कि यहाँ पे बढ़ा है। ओके, जिसके अंदर मनरेगा ने तो खैर बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया आपको मालूम है पिछले एक साल के अंदर। तो यहाँ पे कुल मिला के बात जो हो रही है वो मेक इन इंडिया को लेकर हो रही है कि क्या ये मेक इन इंडिया हम लोग सक्सेसफुल कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए हैं। ओके, ठीक है, 5 सालों के अंदर जॉब्स जो है मतलब बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए थी, एटलीस्ट 30-40% जॉब्स जो है वो बढ़नी चाहिए थी अगर मैं डेवलपिंग नेशन के बारे में बात करूं तो, लेकिन यहाँ पे जॉब्स कम हो गई है। तो यहाँ पे एनालिसिस किया गया है सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस जो कि बेस्ड ऑन CMIE मंथली टाइम सीरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय इंडस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे ये डाटा इनके द्वारा दिया गया है। आगे बात करते हैं जनसत्ता को लेकर, यहाँ पे दोस्तों 4,000+ लोगों की मौत है जो कि डेली हो रही है वो बताया गया है, और यहाँ पे मोदी जी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तेजपाल वाला केस है, नक्सली वाला केस है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों टूल किट का भी कल दोस्तों बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है ये भी, एक्चुअली के अंदर ये जो मुद्दा है ना टूल किट विवाद जो कि आजकल आपको ट्विटर के ऊपर सब जगह पे देखने को मिलेगा, ये ना तो कोई दो देशों का मुद्दा है, ना ही दोस्तों ये कोई गवर्नमेंट का मुद्दा है, ना ही कोई दो स्टेट का मुद्दा है। ये जो मुद्दा है वो दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, बीजेपी और एक है कांग्रेस। कांग्रेस ने एक टूल किट बीजेपी के को डाउन करने वाले मोदी जी के जो सबसे बड़ा जो सबसे मुझे लगता है जो होता है ना कि इमेज को डाउन करने आया, वो संबित पात्रा एक ऐसा आदमी है जिसने डाउनफॉल में मोदी जी के सबसे बड़ा हाथ है जो कि वो आदमी रोल प्ले करेगा। तो उसने क्या किया, भाई ने एक टूल किट है का ट्विटर के ऊपर शेयर कर दिया, ट्विटर ने उसको मैनिपुलेटिव टैग कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये जो केस है ना वो अभी यहाँ पे पेंडिंग चल रहा है,
इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है पूरी तरीके से, तब तक आप जो है ट्विटर जो है ये फैसला नहीं कर सकता कि ये जो टूलकिट है जो कि सबमिट पात्रा के द्वारा शेयर करी गई है ये सही है या गलत है, समझ गए। तो साथ में यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनको इस मुद्दे में इंक्लूड करना पड़ा और उनका ही स्टेटमेंट आया है कि हम डिसाइड करेंगे कि ये है कि नहीं है, उसके बाद आप डिसाइड करोगे, पहले आप डिसाइड नहीं करोगे। तो ये वाला यहाँ पे दोस्तों मुद्दा है, ठीक है। तो एक तो क्या सबसे पहले तो मोदी जी को इस आदमी को फायर करना चाहिए, लेकिन करें भी क्या, मतलब ऐसे लोग ही हैं जो बेचारा इररिलेवेंट बातें करके बचा सकते हैं, वरना क्या रियलिटी में तो कोई बेचारा बात कर ही नहीं सकता। तो वो वाली बात है, सबसे पहले इसको फायर करें तब जाके कुछ बचे, मतलब बहुत ही बता नहीं क्या क्या बातें करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इस मुद्दे को लेकर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि आपको मालूम है ब्लैक फंगस को लेकर अभी कुछ केसेस तो व्हाइट फंगस के भी देखने को मिल रहा है बिहार के एरिया में, है ना। तो यहाँ पे फंगल डिजीज को लेकर अभी मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे दोस्तों एक इसकी दवाई है एफोटेरिसिन बी, तो इसके प्रोडक्शन की भी कमी हो गई थी। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 और कंपनियों को दोस्तों उसका लाइसेंस जो कि दे दिया है। ओके, बोला है कि इस महीने तक दोस्तों 1,00,000 से ज्यादा जो है इसकी दवाइयां हैं जिसका प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन की बहुत जरूरत है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अनवी भूतानी को लेकर। तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के मैकमिलन कॉलेज से भारतीय मूल की मानव विज्ञान की छात्रा को छात्र संघ के उपचुनाव में विजेता है जो कि यहाँ पे घोषित किया गया है। ओके गाइस, ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे अनवी, इन्होंने वहां पे रेसिज्म को लेकर इक्वालिटी को लेकर काफी अभियान चलाया था, काफी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है उस चीज को लेकर। तो इनको फाइनली यहाँ पे ऑक्सफोर्ड की छात्र संघ उपचुनाव अध्यक्ष के अंदर इनको इलेक्ट है जो कि यहाँ पे किया गया है, ठीक है। हमारे जो स्टूडेंट है दोस्तों वो पॉलिटिक्स में बहुत जबरदस्त इंटरेस्टेड रहते हैं वैसे, है ना। हमारे कंट्री के एक ये पॉजिटिव भी है कि हमारे यहाँ पे लीडर्स क्रिएट करे जाते हैं वैसे, और दुनिया में बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट है जो कि वहां पे प्रेसिडेंट है जो कि बनते हैं। हमारे यहाँ पे भी कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटी के जो इलेक्शन होते हैं ना वो बहुत ही खतरनाक लेवल के ऊपर होते हैं वहां पे भी, मतलब। और हमारे यहाँ पे ऐसे माना जाता है कि पॉलिटिक्स अगर किसी को एमपी एमएलए या फिर सीएम पीएम बनना है तो उसकी शुरुआत जो होती है वो कॉलेज की पॉलिटिक्स से होती है ना। तो डीयू के अंदर इलेक्शन होते हैं तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे होते हैं, जेएनयू में बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे होते हैं, लेकिन अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शन देखोगे, यूपी बिहार के एमपी के कर्नाटका के, तो यहाँ पे बहुत तगड़ा माहौल रहता है। मतलब मुझे नहीं पता आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के इलेक्शन देखे, लेकिन बहुत ही खतरनाक माहौल होता है। ओके, एक मूवी आई थी गुलाल नाम से, अनुराग कश्यप की मेरे ख्याल से पहली मूवी थी वो देखिएगा गुलाल, काफी तगड़ी मूवी है। उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के बारे में दिखाया गया है। वो मूवी बैन हो गई थी वैसे, ब्लैक फ्राइडे भी बैन हो गई थी, वो भी बैन हो गई थी गुलाल मूवी भी, और पीयूष मिश्रा जी ने उसमें बहुत खतरनाक रोल प्ले किया है। तो उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी का दिखाया गया है, देखिएगा कभी। चलिए आगे बात करते हैं यूके गवर्नमेंट को लेकर। यूके गवर्नमेंट ने दोस्तों लॉन्च किया प्लान्स फॉर ग्लोबल पेंडेमिक रडार टू डिटेक्ट कोविड-19 वेरिएंट इमर्जिंग डिजीजेस। तो देखिए अभी यहाँ पे WHO ने भी एक बहुत सही बात बोली थी और यूके ने भी बिल्कुल एक सही बात बोली है। बोरिस जॉनसन, उन्होंने अनाउंस किया है कि हमें जो है ना बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर काम करना चाहिए, हमें एक इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलियंस नेटवर्क बनाना चाहिए ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि कोविड-19 के कैसे कैसे वेरिएंट बढ़ रहे हैं और कौन कौन सी जगह के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमें अभी भी इसको लेकर शांत नहीं बैठना है। अभी क्या हुआ कि जो डेवलपिंग है, डेवलप कंट्रीज है, वहां पे कोविड के केसेस कम हो जाएंगे तो दुनिया जो है वो कहीं शांत नहीं पड़ जाए और ये केसेस कोई अंडर डेवलप कंट्री अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा ना फैलने लग जाए, इसको लेकर काम करने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाने को लेकर बोला है, समझ गए। तो यहाँ पे पीएम के द्वारा, इनके जो है यूके के पीएम, उनके द्वारा बोला है कि वर्ल्ड को अनअवेयर जो है वो नहीं होना चाहिए वायरस के स्प्रेड होने से, इसको अनचेक्ड जो कि नहीं रखना चाहिए, समझ गए। रियल टाइम डाटा शेयरिंग है, रैपिड जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, ये सब जो है वो करते रहना चाहिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कैसे यूके गवर्नमेंट पैथोजन सर्विलेंस सिस्टम के अंदर हेल्प करेगी, तो दुनिया के और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में मिलकर है जो कि ये काम करेगी, इसके ऊपर रिसर्च जो है वो करेगी और उसके हर एक डाटा को सिक्वेंसिंग के ऊपर काम करेगी। तो लंदन बेस्ड एक चैरिटेबल फाउंडेशन है जो कि हेल्थ रिसर्च के ऊपर काफी काम करता है, तो वो इस सर्विलेंस सिस्टम को दोस्तों बनाने को लेकर काम कर रहा है, ठीक है। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस, उन्होंने भी यहाँ पे बोला है कि हमें एक बहुत ही रोबस्ट और मॉडर्न सिस्टम है जो कि बनाना चाहिए ताकि वर्ल्ड हम लोग आगे रख सके इमरजेंट डिजीज से। आने वाले टाइम पे भी ऐसे डिजीज देखने को मिल सकते हैं तो हमें आगे है जो कि रहना पड़ेगा। आगे बात करते हैं दलाई लामा को लेकर। तो दोस्तों चाइना ने जो है 14 दलाई लामा के जो सक्सेसर है उसको अप्रूवल दे दिया, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कोई भी दलाई लामा बनेगा, आपको मालूम है ना दलाई लामा कोई नाम नहीं है, इट्स ए पोजिशन, है ना। तिब्बतियन बुद्धिज्म के अंदर क्या होता है कि चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो उसमें से एक है, एक जो स्कूल है तिब्बतियन बुद्धिज्म का उसी के दलाई लामा हेड है जो कि सबसे
प्रेस्टिजियस पोजीशन मानी जाती है दुनिया में पीस की। तो तिब्बतन बुद्धिज्म के अंदर जो भी दलाई लामा बनाए जाते हैं उनका अलग ट्रेडिशन चलता है। उनका ट्रेडिशन कुछ इस प्रकार से होता है, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगेगा, लेकिन जो भी रियलिटी जो भी इनके द्वारा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। होता ऐसा है कि जब दलाई लामा अगले वाले चुने जाते हैं ना, तो तिब्बत के अंदर सर्च होती है, एक ऐसे लड़के की सर्च होती है जो कि उनका एक तरीके से सक्सेस प्रेडिसेसर माना जाता है, और एक तरीके से एक ऐसे बच्चे की तलाश होती है जिस बच्चे को अपने पास्ट के बारे में पूरा पता होता है कि उनके कौन से डिवाइसेस हैं, कौन सी चीजें काम में लेते हैं, है ना। तो उन बच्चों को इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी नेटफ्लिक्स के ऊपर कभी आप देखना, तो एक छोटा बच्चा किसी ना किसी गांव के अंदर कोई मिलता है, उसको सारी जानकारी होती है, उसका जो दिमाग है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप होता है और उसको पास्ट की पूरी चीजें पता होती है कि पिछले वाले जो दलाई लामा है वो कैसे रहते थे, कहां पे रहते थे, उनकी बातें क्या चीजें वो यूज करते हैं। तो ऐसे बच्चे की तलाश जो कि करी जाती है, फिर उस बच्चे को पूरा ट्रेनिंग करा जाता है, उसको पूरा सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको दलाई लामा इस तरीके से बनाया जाता है। ये जो अभी वाले जो दलाई लामा, इनकी स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार से है। लेकिन चाइना ने यहाँ पे ये बोला है कि जब से क्विंग डायनेस्टी रही है तब से ही जो है दलाई लामा कभी भी बनते आए तो वो चाइनीज के अप्रूवल के बाद में बनते हुए, क्योंकि क्विंग डायनेस्टी चाइना को भी कंट्रोल करती थी, तिब्बत को भी कंट्रोल करती थी। तो उन्होंने बोला कि अभी भी जो भी बनेगा यहाँ पे, है ना, आपके लिविंग बुद्धाज बनेंगे या फिर यहाँ पे दलाई लामा बनेंगे तो हमारे अप्रूवल के बाद में ही बनेंगे। तो ये यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे आया है। ओके गाइज, चलिए ठीक है। तो जो भी नॉमिनेट किया जाएगा उसको अप्रूवल है जो कि हमारे द्वारा मिलेगा। तो इन्होंने एक व्हाइट पेपर जो कि पब्लिश करे चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, और री इनकार्नेशन किसी भी दलाई लामा का होता है तो ये एक्चुअली में री इनकार्नेशन पे बिलीव करता है कि एक नेक्स्ट जो होगा ना वो एक तरीके से री इनकार्नेशन होगा, समझ गए। तो ठीक है गाइस, तो इनको अप्रूवल है जो कि दिया जाएगा। अभी अगर आप देखोगे मैप में तो तिब्बत एक बहुत बड़ा रोल है जो कि प्ले करता है, मतलब ये देखिए तिब्बत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चाइना के टेरिटरी के अंदर, ये वाले। चलिए ठीक है गाइस, और इनके टाइटल का नाम है तिब्बत सिंस 1951 लिबरेशन डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी। तिब्बत जो है दोस्तों एक बहुत ही शांति प्रिय एक बुद्धिस्ट जो है एक एरिया हुआ करता था जो कि चाइनीज ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब और दुनिया ने कुछ नहीं किया, मतलब उसको करना चाहिए था, बहुत ही बेचारे दलाई लामा को भागना पड़ा, बहुत लोगों के जो है वो जान उन्होंने, मतलब चाइनीज लोगों ने इतना ज्यादा फोर्सफुली जो है इसे ऑक्यूपाई किया इस एरिया को, पूरे बेचारे जो शांति से लोग रह रहे थे सब कुछ तबाह कर दिया था, मतलब। ओके चलिए ठीक है गाइस, तो ये पूरी की पूरी बात है जो कि मैंने आपको बताई। आगे बात करते हैं इंडिया ओमान के एमओयू को लेकर। अब रिसेंटली इंडिया और ओमान ने दोस्तों क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो कि साइन किया है मिलिट्री कॉपरेशन को लेकर और साथ में मैरिटाइम सिक्योरिटी को लेकर। ओमान हमारे लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ठीक है अडीन से अगर हमें आगे जाना होता है, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान से अगर हमें आगे जाना होता है यहाँ पे पर्शियन गल्फ से, ओके तो हमें संभाल लेंगे। तो ओमान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि प्ले करता है, समझ गए, गल्फ ऑफ जो है ना हम इस वाले एरिया में। तो एमओयू जो है मिलिट्री कॉपरेशन मिलिट्री वाले पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे मैरिटाइम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ओमान जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का और एक इंपॉर्टेंट स्पीकर भी है जीसीसी के अंदर। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की जब मीटिंग होती है या फिर अरब लीग की जब मीटिंग होती है तो इंडिया को जो है ओमान मेजरली टाइम फेवर करता है, ओके। और इंडिया जो है वो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेंबर है, लेकिन इन दोनों का इंडिया मेंबर नहीं है, समझ गए। तो इंडिया और ओमान की ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर काफी सारे सालों से दोस्तों हम दोनों जो है कंट्री एक दूसरे के साथ में अच्छे रिलेशन है जो कि शेयर करते हैं, उनकी रॉयल फैमिलीज इंडिया आती रहती है, इंडिया के लोग वहां पे काफी सारे कम्युनिटीज है जो कि वहां पे रहती है, ओके। तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्कशन है जो कि हमेशा रहा है। तो वेस्ट एशिया के अंदर ओमान जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिफेंस पार्टनर है जो कि हमारा रहा है। एंटी पायरेसी कैंपेन जो होते हैं ना, ये जो समुद्र के जो लुटेरे होते हैं पायरेट्स जो होते हैं उनको कैंपेन करने के अंदर भी काफी हेल्प है जो कि हम इन लोगों की करते हैं। हमने इनको राइफल सप्लाई करी है, डिफेंस प्रोटेक्शन के अंदर हमने इनको हेल्प करी है, रेगुलर बाय एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कि हम लोग करते रहते हैं, अल नगा आर्मी की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की ईस्टर्न ब्रिज नाम से होती है, नेवल की नसीम अल बाहर नाम से एक्सरसाइज है जो कि दोनों देशों के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं गेटवे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, इसका गेटवे है दोस्तों जो कि ओमान एक तरीके से माना जाता है। हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट होता है ना 1/5 वो इसी एरिया से होता है, समझ गए। इंडियन वेसल को आने के लिए भी कोई एंटी पायरेसी ऑपरेशन करने को लेकर भी ये काफी हेल्प करता है, ठीक है गाइस। तो ये बातें सारी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा चाइनीज फुटहोल्ड जिबोती वाला जो एरिया है नीचे की तरफ वहां पे काफी ज्यादा चाइनीज बढ़ चुका है, तो वहां पे भी इंडिया को हेल्प करता है ओमान, है ना, चीजों को न्यूट्रलाइज करने को लेकर, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं करंट अफेयर के शॉर्ट्स को लेकर। आईसीएमआर ने कोविड शेल्फ किट को अप्रूवल दे दिया है 250 रुपए की। आपको मालूम है म्यूकोमाइसिस को नोटिफाइबल डिजीज है जो कि यूपी ने भी मान लिया है और हेल्थ मिनिस्टर ने सभी राज्यों को यूटी को करने के लिए बोला है। दिल्ली क्या कर रहा है, डेडिकेटेड ट्रीटमेंट सेंटर बना रहा है ब्लैक फंगस के लिए 3 हॉस्पिटल में। मिल्खा सिंह को भी पॉजिटिव हुआ और ईयू पार्लियामेंट जो है उन्होंने यूरोपियन इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट चाइना के साथ में फ्रीज कर दिया है दोस्तों, और डेवलपमेंट आगे ये लोग नहीं कर रहे हैं चाइना के साथ में। आज के दिन के इतिहास की बात करें तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर जो है दोस्तों ओपन किया गया पब्लिक के लिए 2012 के अंदर, टोक्यो स्काई ट्री इसका नाम है, जापान की कैपिटल के अंदर सेकंड टॉलेस्ट है जो कि बुर्ज खलीफा के बाद में माना जाता है। 2010 के अंदर वर्ल्ड का एयर क्रैश है दोस्तों जो कि बोइंग 737 हुआ था, 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इंडिया की फ्लाइट थी मतलब, ओके, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ था। 1980 के अंदर दोस्तों यहाँ पे पैकमैन एक आर्केड गेम है जो कि लॉन्च किया गया था जो कि दुनिया में काफी फेमस रहा था, ओके। 1960 के अंदर मोस्ट वायलेंट अर्थक्वेक है जो कि चिली के अंदर देखने को मिला था, चिली के अंदर 9.5 का देख सकते हो आप, इसका बहुत ही खतरनाक मैग्नीट्यूड था। उसके अलावा व्हाइट ब्रदर्स ने दोस्तों फ्लाइंग मशीन ने उसको पेटेंट करवाया था 1906 के अंदर। ओके गाइस, आज के फन फैक्ट की बात करें तो गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है, रिसर्च करी गई है जिसमें ये बताया गया कि कभी भी अगर आप एक सिंगल मेमोरी को याद करने की कोशिश करोगे ना तो कभी भी नहीं हो पाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोचे कि आज से 2 महीने पहले एक दोस्त से मैं मिला था तो उसने कौन सी टी शर्ट या कौन से शूज या कौन सी जैकेट पहनी थी, अगर आप ये याद करने की कोशिश करोगे तो हमारी मेमोरी कभी भी एक सिंगल पॉइंट को याद नहीं कर पाएगी, हमें क्लस्टर ऑफ मेमोरीज है जो कि हमारे दिमाग में रहती है, समझ गए। तो कभी भी आप सिंगल मेमोरी को रिकॉल करोगे ना, ओके, कोई स्मेल को, किसी भी पर्सन के फेस को, तो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। 2015 के ये फाइंडिंग में दोस्तों यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पता किया गया था। आपको डिटेल जो है ना, आपका दिमाग हमेशा डिटेल ढूंढता है क्योंकि हमारे पास में जो अपना हिप्पोकैम्पस के अंदर जो भी हमारे ब्रेन के अंदर जो स्टोरेज होता है ना वो ऑल टुगेदर स्टोर होता है हमेशा, कभी भी सिंगल पॉइंट जो है वो स्टोरेज नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमें कोई मेमोरी रिट्रीव करनी है तो हमें पूरी मेमोरी को क्रिएट करनी पड़ेगा, उसमें से फिर एक मेमोरी जो कि निकालनी पड़ेगी, ओके। तो ये बात है जो कि यहां पे बताई गई है। चलिए गाइस, जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों आज के टाइम पे पॉजिटिव माइंड रखिएगा, वाइब्स रखिएगा, पॉजिटिव लाइफ है जो कि आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अकेडमी में आपको कोई भी प्लस कोर्स लेना है तो आप BHU10 या BHU10 जो कि आप यूज कर सकते हैं, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, PDF टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ओके। अगर आपको SSC में सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको मेरा नया बैच जो कि 1 जून से स्टार्ट होने वाला है GK का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2 मंथ फ्री मिलेगा। मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की भी सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम चाहे IIT हो, नीट हो, गेट हो, कैट हो, सारे टॉप एजुकेटर की पूरी क्लासेस, आपको करना कुछ नहीं है, ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी है, UPSC है, कैट है, कोई IIT है, कोई गेट है, जो भी आपका गोल है, SSC है, फिर नीचे प्लस में जाइए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में, उसके बाद में 12 महीने या 24 महीने में से सेलेक्ट करिए, नीचे BHU10 या BHU10 लगा दीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा, आप कॉइन भी काम में ले सकते हैं, EMI के माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं। आज का पहला सवाल देख लेते हैं, राजीव गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, एंटी टेररिज्म डे भी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। 14 दलाई लामा दोस्तों को अप्रूवल कौन सी गवर्नमेंट से चाहिए होगा, कौन से कंट्री ने अप्रूवल के लिए बोला है। विच स्टेट गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विच नेशन हैज डिसाइडेड टू लॉन्च प्लान फॉर ग्लोबल पेंडेमिक रडार टू डिटेक्ट COVID-19 वेरियंट एंड इमर्जिंग डिजीजेस। लास्ट है, एशिया T20 कप को पोस्टपोन कर दिया गया है, कौन सा कंट्री है जो कि इसको होस्ट करने वाला था। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में फिर से, थैंक यू एवरीवन।